आप तमाम नाज़रीन का TNN TV न्यूज़ में खैर मकदम है। पुलिस भर्ती और ग्रुप इम्तिहानात की तैयारी को तरजीह देते हुए तुलबा व तालिबात एक सोई इख्तियार करें। हालिया सरकारी मुलाजिमतों के एलामिया में 20,000 जायदादें पुलिस डिपार्टमेंट से मुतालिक है। हर एक मुस्लिम नौजवान जो इंटरमीडिएट कामयाब हो इम्तिहान का फॉर्म दाखिल करें। इन ख्यालात का इजहार IPS अनवरुल हुदा रिटायर्ड DGP ने जमात इस्लामी हिंद शहर महबूब नगर की जानिब से मुनक्किदा शऊर बेदारी प्रोग्राम बराए मसाबकी इम्तिहानात बामुकाम अलमास फंक्शन हॉल महबूब नगर बरोज़े जुमा शाम किया। इन्होंने तुलबा व तालिबात को दावत दी के वह जमात इस्लामी और ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलकर रियासत तेलंगाना में वसी पैमाने पर शऊर बेदारी का काम अंजाम दे। स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करने वाले होनहार मुस्लिम तुलबा को ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से आला मियार की कोचिंग मुफ्त दी जाएगी। जनाब मूसा बिन इब्राहिम रिटायर्ड कमांडेंट ने पुलिस भर्ती के लिए कवायद व जवाबित बताए। इम्तिहान के फॉर्म दाखिले की आखिरी तारीख 20 मई है। जनाब अब्दुल मजीद रियासती सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना ने सदारती खिताब में तुलबा व तालिबात की हौसला अफजाई फरमाई। इस अहम मौके पर डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब, अब्दुल बारी मुजाहिद, अब्दुल रऊफ साहब एडवोकेट, अब्दुल हादी साहब एडवोकेट, अलीम साहब, रज़ाक साहब मुस्लिम संगम, रहमान साहब हीरा सोसाइटी, खालिद नवीद, अब्दुल खवी, अब्दुल अजीज़ अथर, याहिया खान, मोहम्मद इस्माइल मोजीजी ने वो दानिशवरान मिल्लत की कसी तादाद और वाबस्तगान जमात इस्लामी ने शिरकत की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छी बात है, जगह नहीं यहाँ पर, ये गाइडेंस नहीं है, तो मैं इंशाल्लाह सबसे पहले हमारे जो जॉब गाइडेंस सेंटर की जो प्रोजेक्ट डिटेल्स हैं उसके मुताबिक हमारे रियाज है और ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप आए और हमारे सामने ये जो काम हो रहा है रियासत गवर्नमेंट उसके तालुक से और उसकी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं मूसा बिन इब्राहिम रिटायर्ड कमांडेंट, माशाल्लाह यहाँ पर प्रोग्राम के लिए आए थे, अवेयरनेस के लिए अच्छे बच्चे आए, ज़्यादा लोग आए। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुस्लिम बच्चों को जहाँ तक हो सके अवेयरनेस बताएं कि भाई क्या क्या है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है और कैसे तैयार करें, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, जैसे फ़िज़िकल ट्रेनिंग, थियोरी ट्रेनिंग और हम क्या क्या उनको फैसिलिटीज़ एक्सटेंड कर रहे हैं, जैसे इनडोर कोचिंग, आउटडोर कोचिंग, स्टडी मटेरियल देना और उनको माली इस्तेदाद भी करना, उनके फ़ीस बनने के बारे में या उनके खाने के बारे में डिज़र्विंग बच्चों को हम एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक कोशिश है, अल्लाह से दुआ है कि हमें इसमें कामयाबी दे, हमारे बच्चों को शऊर दे और हमारे बच्चे इसमें आगे बढ़कर अपना मकाम, मुस्तहिक मकाम हासिल करें, उनके समाज में और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में मुस्लिम बच्चों की, मुस्लिम बच्चियों की ख़ास ज़रूरत है, यहाँ पर उनका प्रेजेंस होना ज़रूरी है ताकि समाजी बदहाली, समाजी इश्ताली जो ना ख़त्म हो जाती है हमारे प्रेजेंस से। जब हम साथ रहेंगे तो हमारा मुकाम, हमारा हक हमारे को बराबर मिलेगा, किसी चीज़ का इस्तेसाल होने से बच जाएंगे हम, और हमारा जायज़ हक है और हम इस हक के कोशिश में लगे हैं कि भी हमारे बच्चे भी आगे आएँ और आगे आकर इस अपना मुकाम हासिल करें। इसके साथ साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं मुकामी मुंतज़मीन को ये बता रहे हैं कि भाई आप भी इसमें इन्वॉल्व करो, हमसे पूछो, हमसे मत करो, हम स्टेट लेवल पे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा तादाद बच्चे आएँ और इस एग्ज़ाम में हाँ पार्टिसिपेट करें। बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि बहुत से बच्चियाँ काबिल पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चियाँ हैं, ग्रुप वन में, SIs में, DSPs में वो ज्वाइन करें, वो लिखे और लिख सकने के काबिल है। हम उनको ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं, हम उनको हर चीज़ से हेल्प करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश और हमारी कोशिश ये रहेंगी जहाँ तक हो सके उनको फ़ायदा हो और अपना जायज़ मुकाम हासिल करें।